भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 टी20 मैचों की सीरीज 9 जून को शुरू हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। IPL 2022 खत्म होने के तुरंत बाद ही साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। भारतीय टीम इस घरेलू सीरीज में 5 टी20 मुकाबले खेलेगी। पहला टी20 मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा, तो वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जून को खेला जाना है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तरफ जहां सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, तो दूसरी तरफ KL राहुल को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें, दिनेश कार्तिक की काफी लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। उन्होंने IPL 2022 में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से उमरान मलिक ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उमरान मलिक को भी भारतीय टीम में मौका मिल चुका है। ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या ने IPL 2022 में बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान अपने आप को साबित किया है और इसी वजह से उनको टीम इंडिया में दोबारा मौका दिया गया है। अगर हम पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 को देखें, तो KL राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम में कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।